हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर फिफ्थ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस चैप्टर में हम सबसे पहले एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिससे हम एसिड और बेस की पहचान करते हैं। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। एसिड्स हमेशा वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट है बेसिस। बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। बेसिस हमेशा स्वाद में कड़वे होते हैं। बेसिस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिस आर सॉल्यूबल इन वाटर। बेसिस भी हमेशा वाटर सॉल्यूबल होते हैं। एसिड्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एसिड कंटेन H प्लस आयन्स। जो भी एसिड के एग्जाम्पल होते हैं उनमें H प्लस आयन हमेशा प्रेजेंट होता है। बेसिस कंटेन OH माइनस आयन। बेसिस हमेशा हाइड्रोक्सिल आयन को कंटेन करते हैं। एसिड्स हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं। बेसिस आर ऑलवेज लॉसेस इलेक्ट्रॉन पेयर। और बेसिस हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं या लॉस करते हैं। नेक्स्ट है एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। एसिड हमेशा प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं और बेसिस हमेशा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड जब भी मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, लेकिन बेसिस कभी भी मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ नहीं करते। यहाँ पर कुछ एसिड और बेस के एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। एग्जांपल ऑफ बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एसिड्स। हमारी जो डेली लाइफ है उसमें भी हम बहुत सारे एसिड्स का यूज़ करते हैं, जैसे विनेगर। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। एप्पल में मैलिक एसिड होता है। एंट जो चींटी होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, जिसके ज़्यादा हो जाने से हमारे पेट में स्टोन भी बन सकती है। लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। हम घरों में जो सोडा यूज़ करते हैं, चाहे वो बेकिंग सोडा हो, वॉशिंग सोडा हो, डिटर्जेंट हो, सोप हो, ये सब बेसिस के एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट। सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेस बोथ आर मिक्स्ड टुगेदर एंड न्यूट्रलाइज्ड। जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और साथ में प्रोडक्ट के रूप में हमें वाटर भी मिलता है। जब एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई जाती है तो वे एक दूसरे की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। सॉल्ट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। दीज आर एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। सॉल्ट के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको खाने में यूज़ करते हैं। यहाँ सॉल्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं। हम जो ब्लैक सॉल्ट, पेपर सॉल्ट, रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं, वो सारे सॉल्ट के एग्जांपल्स होते हैं। यहाँ पर आरेनियस थ्योरी दे रखी है। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड और बेस के बारे में हमें बताया था, तो उन्हीं में से एक है आरेनियस। आरेनियस डिफाइन एसिड एंड बेस इन 1887। अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन इन वाटर आर कॉल्ड एसिड्स, वाइल सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर आर बेसिस।
जो भी सब्सटेंस वाटर में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं वो एसिड होते हैं, और जो सब्सटेंस वाटर में हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करते हैं वो बेसिस होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है HCl। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करवाया जाता है तो ये वाटर में H+ आयन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बेस का है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है KOH। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो ये हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH- को रिलीज करता है। कुछ एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करवाने पे वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ऐसे एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं हो पाते हैं, उन एसिड्स को वीक एसिड्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। अब कुछ बेसिस भी ऐसे होते हैं जो वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, उन बेसिस को हम स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। द बेसिस विच आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर आर कॉल्ड वीक बेसिस। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। According to Arrhenius, when acid and base combine each other, water molecule is formed. जब एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे, और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है, जो एक सॉल्ट होता है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे ब्रॉन्स्टेड लॉरी, जिन्होंने एसिड और बेस का एक नया कंसेप्ट दिया। दिस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस वॉज गिवन बाय डेनिश केमिस्ट जॉनसन ब्रॉन्स्टेड एंड इंग्लिश केमिस्ट थॉमस एम लॉरी। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ये कंसेप्ट दिया था। According to this theory, proton donor species is acid and proton acceptor species is base. जो सब्सटेंस प्रोटोन को डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं, और जो सब्सटेंस प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेसिस होते हैं। दे गेव कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर कंसेप्ट। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिसे कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर कंसेप्ट कहते हैं। जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स की NH3 से रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाता है और एक नया कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है NH4+। जब H+ आयन रिमूव होता है तो कॉन्जुगेटेड बेस बनाता है, और जब H+ आयन ऐड होता है तो वो कॉन्जुगेटेड एसिड फॉर्मेट करता है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, इसलिए ये एसिड बनेगा। इट चेंजेस इन कॉन्जुगेट बेस बाय लॉसिंग प्रोटॉन H+। अमोनिया इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर, हेंस इट इज अ बेस। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने सिर्फ H+ आयन्स की कंसेप्ट दिया था। दे डिफर ओनली वन प्रोटॉन H+ बिटवीन देम। दिस स्टोरी डू नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एप्रोटिक एसिड्स। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए लेविस, जिन्होंने भी एसिड और बेस के बारे में एक नया कंसेप्ट दिया। इन 1923 लेविस गेव अ न्यू थ्योरी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट टू एक्सप्लेन एसिड एंड बेस। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी एसिड्स आर दूस सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लॉस कर देता है वो बेस होता है। दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज आर बेसिस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज आर एसिड्स।
जब एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई जाती है तो वह आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर्स का साझा करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। When two electrons occupying the same orbital in an atom or molecule, then it is called electron pair. Coordination bond वो होता है जब कोई लॉन पेयर एक दूसरे से शेयर करते हैं। Share a pair of electrons with another atom is called coordination bond. इन्होंने लेविस एसिड्स और लेविस बेसिस का कंसेप्ट दिया था। इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज आर कॉल्ड लेविस एसिड्स, इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीसीज एंड कंटेन वन और मोर लोन पेयर आर कॉल्ड लेविस बेसिस। हमने तीनों साइंटिस्ट की कंसेप्ट पढ़े, एसिड और बेस पेयर। अब हम इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आरिनियस ने बताया कि एसिड वो होंगे जो वाटर में H+ आयन को रिलीज करते हैं और बेस वो होंगे जो वाटर में OH- मतलब हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने हमें बताया कि एसिड वो होते हैं जो H+ आयन को डोनेट करे और बेस वो होते हैं जो H+ आयन को एक्सेप्ट करे। लेविस ने हमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो बेसिस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। फर्स्ट है लिटमस टेस्ट। जब लिटमस टेस्ट किया जाता है तो एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल्स। जब एसिड की मेटल से रिएक्शन करवाई जाती है तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, लेकिन बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं और ना ही वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। दिस इज़ द रीज़न सॉर्ट सब्सटेंस आर नॉट कैप्ट इन मेटल यूटेंसिल्स। जो मेटल के बर्तन होते हैं उनमें कोई भी खट्टा सॉल्यूशन नहीं डाला जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन कर लेते हैं, आपस में रिएक्ट कर लेते हैं एसिड और मेटल, और मेटल ऑक्साइड्स बना लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। बेसिस में एक एक्सेप्शन होता है, जो जिंक मेटल होती है वो भी प्रोड्यूस करती है हाइड्रोजन गैस को और साथ में सॉल्ट बना लेती है। जब जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और इसको हीट दी जाती है तो ये सोडियम जिंकेट बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। वैसे बेसिकली बेसिस जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है। जब हम कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स। एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्साइड की एसिड से रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। रिएक्शन विथ मेटल्स बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ये मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर। द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड्स आर इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर, दीज कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। एसिड और बेस दोनों का सॉल्यूशन ही इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है और इनको एज ए इलेक्ट्रोलाइट भी यूज़ किया जाता है। एसिड और बेस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है न्यूट्रलाइजेशन। ऑल एसिड्स गेट न्यूट्रलाइज्ड एंड लॉसेस देयर प्रॉपर्टी व्हेन रिएक्ट विथ बेसिस। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ एसिड। हमारे डेली लाइफ में एसिड के क्या यूजेज हैं? फर्स्ट मिनरल एसिड। मिनरल एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आते हैं। ये मिनरल एसिड मेडिसिंस बनाने में,
पेंट बनाने में और फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ स्पेशली यूज्ड टू क्लीन, ये क्लीन करने काम आता है सिंक और सैनिटरी को। थर्ड है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्लीनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। नाइट्रिक एसिड का यूज़ सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी को साफ करने में भी किया जाता है और इसका यूज़ एक्वारेजिया सॉल्यूशन बनाने में भी किया जाता है। एक्वारेजिया सॉल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का रेशो लिया जाता है। ये 1:3 की फॉर्म में होते हैं। इट हैज़ कैपेसिटी टू डिसॉल्व इवन गोल्ड इन इट। इस एक्वारेजिया सॉल्यूशन की कैपेसिटी ये होती है कि ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेता है। यहाँ कुछ कॉमन एसिड्स के एग्जांपल हैं। फर्स्ट है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड मेनली जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंज, लेमन, इनमें सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड आर फाउंड इन ग्रेप्स, एप्पल, बनाना और टर्मरिन। इन सब में टार्ट्रिक एसिड होता है। थर्ड है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो मधुमक्खियाँ होती है या चींटी होती है, बिच्छू होती है, इनके डंक में जो एसिड होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। जब ये हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है तो फॉर्मिक एसिड के कारण ही हमें इचिंग महसूस होती है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज़ फाउंड इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ये दूध में और दूध से बनी हुई जो भी चीज़ें होती हैं उनमें लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स। प्लास्टिक बॉटल के प्रोडक्शन में एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ये वीक एसिड है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन सॉप, डिटर्जेंट, पेपर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ एसिडिटी को अवॉइड करने के लिए होता है। मिट्टी में जो एसिडिटी होती है उसको अवॉइड किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू प्रिवेंट एसिडिटी इन स्टोमक। हमारे स्टोमक में जो एसिडिटी हो जाती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बढ़ने के कारण होती है। जब हम बाहर से इनो के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं जो कि एक बेस होता है, तो एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ सॉल्ट। कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन मार्बल स्टोन, इज यूज्ड फॉर फ्लोरिंग, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड इन प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ सीमेंट बनाने में होता है, मार्बल स्टोन में होता है और फ्लोरिंग के काम में भी होता है। सिल्वर नाइट्रेट इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी। सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ फोटोग्राफी में किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट इज़ यूज्ड इन फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र की फॉर्म में अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। एलम इज़ यूज्ड इन वाटर प्योरीफिकेशन। एलम एल्यूमिनियम का ही प्रोडक्शन होता है जो प्योरीफिकेशन में काम आता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल इज़ यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। ये एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। पीएच स्केल रिप्रेजेंट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। ये कोई भी सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बताती है। पी डिनोट स्ट्रेंथ एंड एच डिनोट हाइड्रोजन आयन। इन 1909 साइंटिस्ट सोरेनसन गेव पीएच स्केल। पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 एच प्लस कंसंट्रेशन। द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। पीएच स्केल को हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पता चल सके। पीएच स्केल पर 1 से लेकर 14 तक के नंबर प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन 1 से लेकर 7 के बीच में है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है। अगर 7 आ रहा है तो वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है।
अगर कोई पीएच वैल्यू 7 से 14 आ रही है तो वो एक बेसिक सॉल्यूशन होता है। पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही उसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और अगर पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और अगर पीएच वैल्यू 7 है मतलब वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, वो ना एसिडिक है और ना बेसिक है। एसिड्स की पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं क्योंकि इनकी पीएच वैल्यू बहुत कम होती है। पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। उम्मीद है यहाँ तक जो पढ़ा आपको समझ में आया होगा। पीएच स्केल के हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।